लकड़ी के चूल्हे पर जो खाना बने उसकी बात ही कुछ और होती है, लेकिन आजकल तो गैस का जमाना है, लकड़ी पर भला कौन खाना बनाता है। लेकिन जो मजबूर है वो क्या ही करे। ऐसी ही एक कहानी है शीतल की। शीतल गांव की गरीब घर की लड़की थी। उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसीलिए वो हमेशा से चाहते थे, हमारी जिंदगी तो खत्म होने को है, लेकिन हमारी बेटी शीतल को अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। हाँ, मैं शीतल की शादी शहर के किसी अमीर घर में करवाऊंगा। शीतल की पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। लेकिन किसी किसी को अमीरी और सुख इतनी आसानी से मिलते नहीं है। शीतल उनमें से ही एक है। खैर, बहुत कोशिशों के बाद शीतल की शादी शहर के एक अमीर घर में हो गई। उसके पति का नाम प्रफुल था और उन लोगों का फैमिली बिजनेस था। प्रफुल और उसका बड़ा भाई महेंद्र दोनों मिलकर फैमिली बिजनेस चलाते थे। उनकी माँ जानकी देवी बहुत ही गुस्से वाली औरत थी। पहले ही दिन जानकी देवी ने शीतल से कहा, देखो छोटी बहू, मुझे पता है कि तुम गरीब परिवार से हो, पता नहीं तुम्हारे घर में क्या होता था। हमारे यहाँ हर रोज दोपहर और रात को 10 तरह के पकवान बनते हैं। जी माँ जी। तुम्हें वो खाना बनाना होगा, बना लोगी ना? जी माँ जी। शीतल रसोई में चली गई। वहां उसकी जेठानी कोकिला इंतजार कर रही थी। दीदी, हमें क्या क्या बनाने हैं? हमें नहीं बेवकूफ, तुझे बनाने हैं। ये ले लिस्ट और काम पर लग जा। मैंने बहुत खाना बनाया है, अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। शीतल के हाथों जिम्मेदारी सौंप कर कोकिला आराम करने चली गई। शीतल अपने मायके में लकड़ी का चूल्हा इस्तेमाल करती थी, लेकिन यहाँ गैस था। पहले तो शीतल को थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन कुछ ही मिनट में उसने अपने आप को संभाल लिया और 2 घंटे के अंदर बहुत सारा खाना बनाकर टेबल पर रख दिया। जानकी बहुत खुश हुई। अरे वाह बहू, तुमने बहुत कम समय में खाना बना लिया। बड़ी बहू तो खाना बनाने में बहुत समय लगा देती थी। ऊपर से खाना बहुत स्वादिष्ट भी था। जानकी और प्रफुल दोनों शीतल की तारीफ करने लगे। वाह शीतल, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथों में जादू है। अब लग रहा है कि तुम्हें इस घर की बहू बनाकर एक अच्छा काम किया है। शीतल को लगने लगा कि अब उसके नसीब में सिर्फ सुख और खुशी ही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जानकी के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर उसकी जेठानी मन ही मन चल रही है। बहुत तारीफ कर रही है बुढ़िया, बस इस बुढ़िया की मौत हो जाए, उसके बाद मजा चखाऊंगी सबको। कोकिला और महेंद्र ने सारा प्लान पहले ही तैयार करके रखा था। 1 महीने बाद अचानक से जानकी की तबीयत पूरी तरह से बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, जानकी की मृत्यु हो गई। महेंद्र और कोकिला इसी पल का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने के लिए फेक कागजात तैयार करके ही बैठे थे। जानकी के अंतिम संस्कार के तुरंत बाद महेंद्र ने प्रफुल्ल से कहा, प्रफुल्ल, माँ ने सब कुछ मुझे लिख दिया है, अब से हमारा बिजनेस, ये घर, सब कुछ मेरा है। ये सुनकर प्रफुल्ल की रूह कांप उठी। अब ये क्या कह रहे हो भैया, माँ ने ऐसा कब किया? तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर ये क्या है? महेंद्र ने फर्जी कागज दिखाया। प्रफुल्ल ने कहा, ये फर्जी है, आप झूठे हो। ठीक है, फर्जी है तो कोर्ट में केस करके वापस ले ले सब कुछ, तब तक इस घर से बाहर निकल। महेंद्र और कोकिला ने प्रफुल्ल और शीतल को घर से निकाल दिया। प्रफुल्ल को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्या है। शीतल, ये क्या हो गया, हम तो रास्ते पर आ गए, अब क्या होगा? केस करने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट भी तो भैया के नाम पर है। आप चिंता मत कीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा शीतल, सब कुछ बर्बाद हो गया, हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या? प्रफुल्ल पूरी तरह से टूट गया। उसे गरीबी की आदत नहीं थी, लेकिन शीतल तो बचपन से गरीबी में ही जी रही थी। वो प्रफुल्ल को लेकर शहर के मेन रोड के पास वाली बस्ती में रहने लगी। शीतल, आज तुम ना होती तो मेरा क्या होता, मैं तो मर ही जाता। ऐसा ना कहिए जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, रुक जाइए, मैं कुछ खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के लिए चावल दाल कुछ तो चाहिए, वो सब कहाँ से मिलेगा? बस्ती के गरीब लोग अमीरों के जैसे खुदगर्ज नहीं होते हैं, उनसे सब कुछ मिल जाएगा। मुझे लकड़ी का चूल्हा जलाने की आदत है, आप बैठिए, मैं सब कुछ करती हूँ। लेकिन खाना बनाओगी कैसे, यहाँ तो गैस सिलेंडर नहीं है। शीतल ने लकड़ी का चूल्हा बना लिया और फिर उस चूल्हे पर दाल चावल और आलू का चोखा बना लिया। अरे वाह, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है। प्रफुल्ल ने पहला निवाला मुंह में दिया तो उसके होश उड़ गए। दाल चावल इतने स्वादिष्ट बनते हैं, ये मुझे पता नहीं था।
इसमें लकड़ी के चूल्हे की एक स्मेल है जिसकी वजह से खाना और भी अच्छा लग रहा है। प्रफुल्ल ने दाल चावल और चोखा पेट भरकर खाया और फिर काम की तलाश में चला गया। कुछ महीने मजदूरी करने के बाद उसने कुछ पैसा जमा कर लिया और फिर एक वकील को बुला लिया। वो वकील प्रफुल्ल की झोपड़ी में आया और केस की बातें करने लगा। उस वकील की फीस सुनकर प्रफुल्ल ने कहा, वकील साहब मैं अभी इतना पैसा तो नहीं दे सकता। फिर तो जीतना मुश्किल है। ठीक है, काम की बात तो होती रहेगी। वैसे वकील साहब खाना खा लीजिए। शीतल ने वकील साहब को लकड़ी के चूल्हे पर बनाया हुआ मुर्गा खिलाया। खाना खाकर वकील इतना खुश हुआ कि वो मुफ्त में केस लड़ने के लिए राजी हो गया। उसने कहा, भाई वाह, ऐसा खाना मिलता रहेगा तो मैं मुफ्त के केस लड़ लूंगा। और भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो कोर्ट के बाहर होटल खोल लेना चाहिए, वहाँ इतना अच्छा खाना नहीं मिलता है। आप चलिए, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। वकील ने कोर्ट के बाहर होटल खोलने की परमिशन दिलवा दी। वहाँ लकड़ी का चूल्हा बनाकर शीतल खाना बनाने लगी। खाने की खुशबू सूंघकर आसपास से सभी वहाँ खाने के लिए आ गए। लकड़ी के चूल्हे पर बने हुए पकवान को खाकर सभी दीवाने बन गए और शीतल का होटल धूमधाम से चलने लगा। कुछ ही महीनों में उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और होटल को बड़ा भी कर लिया। उन पैसों से प्रफुल्ल ने अपने भैया और भाभी पर केस कर दिया। महेंद्र और कोकिला केस हार गए और उन्हें जेल जाना पड़ा। प्रफुल्ल को सब कुछ वापस मिल गया। वो व्यापार संभालने लगा और शीतल लकड़ी चूल्हे वाला होटल संभालने लगी। ऐसे ही वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। सोनपुर गांव में केशव नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। मजदूरी का काम मिल जाए तो परिवार का पेट भर जाए, नहीं तो परिवार रूखी सूखी खाकर ही सो जाता था। एक दिन, सुनो जी, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा, तुम वो पहाड़ी के पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद कोई काम मिल जाए। पर कमला, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहती है पहाड़ी। पर कुछ तो करना पड़ेगा जी, बच्चों को कब तक रूखा सूखा खिलाते रहेंगे, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना जी। ठीक है कमला, मैं कल सुबह ही दूसरे गांव के लिए निकल जाऊंगा, ठीक है, ताकि समय से वापस आ सकूं। कमला अगले दिन केशव को कुछ भुने चने और गुड़ बांध कर देती है। सुनो, ये कुछ भुने चने और गुड़ लेते जाओ, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। केशव मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो उस पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। आधे रास्ते चलने पर केशव थक जाता है। वो सोचने लगता है, थोड़ी देर यहीं इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। अरे कमला ने ये भुने हुए चने और गुड़ दिया था, थोड़े खाकर भूख मिटा लेता हूँ। केशव जैसे ही चने और गुड़ खाने लगता है, एक चींटी उसके पास आती है। भैया, क्या थोड़े से गुड़ और चने मुझे दे सकते हो? मैं और मेरी बहनें भूखी हैं। हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, ये लो, तुम इन गुड़ और चनों से अपना और अपनी बहनों का पेट भर लो। चींटी खुशी खुशी वो गुड़ और चने अपनी बहनों को खिलाती है। जैसे ही चींटियाँ गुड़ और चने खाती हैं, देखते ही देखते वो सब सुंदर परियां बन जाती हैं। केशव ये सब देखकर हैरान रह जाता है। शुक्रिया रागीर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। हम परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। इस पेड़ के नीचे एक महात्मा भोजन कर रहे थे। हमने भूल से उनके भोजन में कंकड़ फेंक दिए, जिससे उन्होंने हमें चींटी बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर हमें भोजन नहीं देगा, हम अपने असली रूप में नहीं आ पाएंगी। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई नहीं आता जाता। केशव परियों को सारी आपबीती सुनाता है, जिसे सुनकर परियां भी बहुत दुखी होती हैं। वो केशव से कहती हैं, तुम चिंता मत करो केशव, तुमने आज हमारी सहायता की है, इसलिए हम भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये जादुई चूल्हा है, इस पर बर्तन रखते ही ये जल उठेगा और तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ,
जैसे ही तुम एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा, बोलोगी चूल्हा खाना पकाना रोक देगा। केशव को जादुई चूल्हा देकर परियां अपने लोक में वापस चली जाती हैं। केशव वो चूल्हा लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अरे तुम तो बहुत जल्दी वापस आ गए, और ये चूल्हा कैसा? अरे कमला रुको, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, तुम एक पतीली लेकर आओ। हाँ, कमला एक खाली पतीली लेकर आती है। केशव पतीली को जादुई चूल्हे पर रखता है और चूल्हा जल उठता है। केशव दाल बोलता है और पतीली दाल से भर जाती है। केशव एक एक करके चूल्हे पर बर्तन रखता जाता है और मिनटों में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर कमला और बच्चे बहुत खुश होते हैं। देखा कमला, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है, और कुछ चाहिए तो बोलो। बस बस, अभी इतना बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मैं इस चूल्हे को अब बंद कर देता हूँ। एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, बंद हो जा जादुई चूल्हा। केशव मंत्र बोलता है और चूल्हा बंद हो जाता है। अब केशव के परिवार को भूखा भी नहीं सोना पड़ता था। एक दिन, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम एक चाय का ढाबा खोल लें। इस चूल्हे पर चाय और पराठे बनाकर बेचा करेंगे, इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारी काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। कह तो तुम ठीक रही हो कमला, बिल्कुल ठीक है। मैं एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ, जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर खर्च भी निकल आएगा। केशव घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई चूल्हा रखकर चाय बनानी शुरू कर देता है। धीरे धीरे केशव का चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग केशव के ढाबे पर रुककर चाय पराठे खाया करते थे। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, केशव उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपनी गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे केशव की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन, अरे भाई केशव कैसे हो? अरे मोहन, अरे अरे तुम शहर से कब आए भैया, है गांव का तो रास्ता ही भूल गए लगता है। बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था ना, तो दो एक दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो वारे न्यारे ही हो गए हैं, तूने ढाबा खोल लिया यार, जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। हाँ मित्र, बस सब भगवान की कृपा है। बात कुछ और ही है, ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन केशव ढाबे पर जाता है, मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अरे मोहन, अरे इतनी सुबह सुबह। मैंने सोचा कल वापस शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता कर लूँ, है कि नहीं? पता नहीं शहर से फिर कब आना हो। हाँ हाँ मोहन, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये भी कोई कहने की बात है। अरे तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय और पराठा लेकर आता हूँ ना। केशव ढाबे की रसोई में चला जाता है। मोहन केशव को छुपकर देखने लगता है। ये क्या जादू है, है? केशव ने इस चूल्हे पर पतीली रखी और खाली पतीली चाय से भर गई। अरे अब ये तवा रख रहा है, ये क्या पराठा भी बन गया, ये तो कोई जादुई चूल्हा है। अच्छा तो ये बात है, तभी कहूँ ये रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया। ये चूल्हा वैसे मेरे पास होना चाहिए, मैं इसे चुरा लेता हूँ। हाँ। शाम को जब केशव घर लौट जाता है, मोहन रात के वक्त चूल्हा चुरा कर पत्नी के साथ शहर भाग जाता है। केशव जब ढाबे पर आता है, चूल्हा गायब होता है। अरे अरे कमला, ए कमला, अरे हमारा जादुई चूल्हा चोरी हो गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे। सुनो जी, जो हो गया सो हो गया, इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला, अब आप एक नया चूल्हा लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाओ, देखना आपकी मेहनत रंग लाएगी।
केशव एक मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने फिर से एक नई शुरुआत की। उधर जब मोहन अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा, जाओ शीला एक खाली पतीली ले आओ, अभी तुम्हें इस चूल्हे का जादू दिखाता हूँ। जादुई चूल्हे, मुझे पुलाव चाहिए पुलाव। चूल्हे पर बर्तन रखकर मोहन ने जैसे ही पुलाव बोला, चूल्हा जलने लगा और पुलाव बनता चला गया। मोहन चूल्हे को फूंक मार मार कर बंद करता रहा, पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अरे ये चावल बनने तो बंद ही नहीं हो रहे, अरे ऐसे तो पूरा कमरा भर जाएगा, हम दोनों चावल के ढेर में दबकर मर जाएंगे। शीला क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब तो एक ही रास्ता है, इस चूल्हे को तोड़ दो। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, मैं इस घटिया चूल्हे को तोड़ देता हूँ। मोहन गुस्से में चूल्हे को पटक कर तोड़ देता है। चूल्हे के दो टुकड़े हो जाते हैं और जादू खत्म हो जाता है। चूल्हे की जगह मिट्टी का ढेर पड़ा रह जाता है। केशव को जादुई चूल्हे की मदद से काम मिल जाता है और वो मेहनत से पैसे कमाने लगता है, जबकि मोहन के हाथ में आकर जादुई चूल्हा मिट्टी हो जाता है। किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो ईमानदार और नेक दिल होते हैं। चोर और मक्कार व्यक्तियों के हाथ सदा ही खाली रह जाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।